खिलाफ पाकिस्तान और चीन आए साथ, एक दूसरे के जिगरी दोस्त या फिर कहें चीन का गुलाम पाकिस्तान। चीन के कर्ज के बोझ तले दबा पाकिस्तान, लेकिन दुश्मन सिर्फ एक, भारत। इसलिए अब दोनों मिलकर भारत पर दो तरफा वार करने की प्लानिंग कर रहे हैं। जी हाँ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में टू फ्रंट वॉर की तैयारी। तभी तो पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान में एलओसी के पास सेना की दो डिविजनों को तैनात किया। पाकिस्तान सेना ने एलओसी के पास करीब 20,000 सैनिकों को तैनात किया है। इसे भारत के ऊपर दबाव बनाने की एक कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। आशंका यही है कि पाकिस्तान अपने माई बाप चीन के इशारों पर चल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी अधिकारी जम्मू कश्मीर में हिंसा भड़काने के लिए चरमपंथी समूह अल बदर से बातचीत कर रहे हैं, जिससे ये संकेत मिलता है कि सीमा पर चीन और पाकिस्तान आखिरकार भारत के खिलाफ मिल गए हैं। इसी कड़ी में पाक ने भी तो कश्मीर के पश्चिमी सीमा पर 20,000 सैनिकों को तैनात कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक से भी ज्यादा सैनिकों की तैनाती पाकिस्तान की तरफ से की गई है। पाकिस्तान के एयर डिफेंस रडार भी पूरे क्षेत्र पर 24 घंटे नजर बनाए हुए हैं। पाकिस्तान और चीन सीमा पर सैनिकों की तैनाती और आतंकियों को उकसाने के प्रयासों से तो यही लगता है कि ये हो न हो भारत पर टू फ्रंट वॉर की तैयारी है और कुछ नहीं। साथ ही बताया जा रहा है कि चीन और पाकिस्तान के बीच भी हाल ही के दिनों में कई बैठकें हुई हैं। उसके बाद ही गिलगित बाल्टिस्तान में सैनिकों की तैनाती की गई है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के स्कर्दू इलाके में चीन के एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट के भी उतरने की खबरें थी। वहीं भारत इन दोनों पड़ोसियों से साथ में निपटने के लिए खुद को और मजबूत करने में लगा है। भारत स्पाइस बम खरीदने की योजना बना रहा है, जो कि स्पाइस 2000 का एडवांस्ड वर्जन होगा। इसका असर ऐसा होगा कि ये पल भर में ही दुश्मनों की इमारतों और बंकरों को धूल में बदल देगा। तो भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान भले ही साथ क्यों ना आ जाए, लेकिन भारत से जीत पाना इन दोनों के बस की बात नहीं है। क्योंकि अगर चीन ने इन दिनों में पाकिस्तान को कमाया है, तो भारत ने कई सुपर पावर्स की दोस्ती कमाई है। भारत को भरोसा है कि चीन के खिलाफ उसकी लड़ाई में वो बिल्कुल भी अकेला नहीं है।